ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला में। मित्रों, आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रविवार के व्रत की कथा और व्रत की विधि के बारे में। रविवार यानी कि सूर्य देव जो होते हैं वो इस दिन के स्वामी होते हैं, और सूर्य जैसे पूरी पृथ्वी पर चमकते हैं वैसे ही सूर्य की कृपा से पूरी पृथ्वी पर आपका तेज चमकने लगता है, आपके जीवन में ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होने लगती है। इसलिए सूर्य देव के पूजन के लिए रविवार का दिन बेस्ट होता है। तो कैसे इस कथा को करना चाहिए और विधि क्या है जानते हैं, ताकि आपके जीवन में सफलता मिले, नाम मिले, शोहरत मिले और समृद्धि मिले। रविवार व्रत सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है रविवार की कथा के अनुसार। आइए जानते हैं रविवार व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी, वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठ करके वो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुन करके सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान के अनुकंपा से उस बुढ़िया माता को किसी प्रकार की चिंता कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उनका घर धन धान्य से भरता रहा। उस बुढ़िया को सूखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह से जलने लगी। बुढ़िया अम्मा ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी जाकर के। पड़ोसन ने कुछ सोच करके अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अम्मा अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बूढ़ी अम्मा ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बूढ़ी अम्मा भूखी प्यासी सो गईं। रात में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया अम्मा ने बहुत ही करुणा भरे स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया अम्मा की परेशानी का कारण जानकर उनके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देंगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया अम्मा को ऐसा वरदान देकर के सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया अम्मा की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देख करके हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांध करके उन्होंने जल्दी से उसे चारा ला करके खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया अम्मा के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया अम्मा को आसपास न पा करके तुरंत उस गोबर को उठा लाया और अपने घर ले गईं तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा करके ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया अम्मा को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया अम्मा पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देख करके बुढ़िया अम्मा ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया अम्मा ने सोने का गोबर देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया अम्मा गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया अम्मा कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया अम्मा के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भून करके राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझा कर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास
सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सैनिक को भेज करके बुढ़िया अम्मा की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया अम्मा के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया अम्मा सूर्य भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर लेकर के चल दिए। बुढ़िया अम्मा ने सैनिकों से गाय और उनके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया अम्मा को बहुत दुख हुआ। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। सुंदर गाय को देख करके राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया अम्मा को इस तरह प्रार्थना करते देख उन पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन बुढ़िया अम्मा की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। भगवान सूर्य के स्वप्न से बुरी तरह से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया अम्मा को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर के बुढ़िया अम्मा से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। रविवार के व्रत की विधि क्या है अब ये जानते हैं। रविवार के व्रत को सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन प्रातः काल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, शांत चित्त होकर के भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए, घर में जो भी भोजन बनाएं उसमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखें और भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन ग्रहण करें। भोजन एक ही समय करें और फलाहार भी सूर्य का प्रकाश रहते ही कर लें, अंधेरे में न करें। सूर्य भगवान के अस्त होने के बाद कुछ भी आपको आहार ग्रहण नहीं करना है, केवल पानी पी सकते हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद अर्घ्य दे करके ही अन्न ग्रहण करें। व्रत के अंत में कथा अवश्य सुनें। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त आहार बिल्कुल न लें। रविवार का व्रत करने से मान सम्मान बढ़ता है, शत्रुओं का नाश होता है और समस्त पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से रविवार की कथा रही और कथा का महात्म्य रहा, साथ ही साथ किस विधि से कथा करना है वो विधि रही। अगर जो भी भक्त इस प्रकार से रविवार की कथा करते हैं और व्रत करते हैं उनके जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य जुड़ जाते हैं। ये आज की वीडियो रही। प्रेम से कमेंट में लिखें ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसके साथ ही इस मंत्र का जाप भी करें। रविवार के दिन आपके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हम नई वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि अन्य भाई बंधुओं को भी इसका लाभ मिल सके। फिलहाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।